आम आदमी औसतन जितनी रकम पूरे जीवन भर में कमाता है उससे कहीं ज्यादा पैसे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन अपनी एक फिल्म से कमा लेते हैं। फिल्म का बजट बढ़ाने में इन हीरो हीरोइनों की फीस सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। लेकिन जितने बड़े ये पैसे वाले हैं उतने ही बड़े ये दिल वाले भी हैं। कुछ सितारे तो ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त में ही फिल्मों में काम किया है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 10 स्टार्स के बारे में जिन्होंने कभी मुफ्त में ठुमके लुटाए तो कभी पूरी फिल्म ही फ्री में कर दी। सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग और सुल्तान सलमान खान कैमियो रोल के लिए कभी मना नहीं करते। फिल्म सन ऑफ सरदार, 30 मार खान और फुगली जैसी कई फिल्मों में ये फ्री में एंट्री मार चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ कई बेहतरीन फिल्में की हैं। उनमें से एक है बॉस। फिल्म बॉस के एक गाने में डांस के लिए सोनाक्षी ने कोई रकम नहीं ली थी। करीना कपूर। शाहरुख खान की फिल्म बिल्लू में करीना ने मरजानी गाने पर धमाकेदार डांस किया था। जब करीना को उनके ठुमकों के लिए चेक भेजा गया तो उन्होंने वापस कर दिया था। फिल्म दबंग पार्ट 2 के गाने चिपकाले सैया फेविकॉल में भी करीना ने मुफ्त में ठुमके लगाए थे। कटरीना कैफ। कटरीना ने फिल्म अग्निपथ के गाने चिकनी चमेली में खूब धूम मचाई थी। कटरीना का मस्त डांस इस गाने में देखने को मिला था, लेकिन कटरीना ने इस परफॉर्मेंस के लिए एक पैसा तक नहीं लिया था। सोनम कपूर। सोनम कपूर फिल्म भाग मिल्खा भाग में छोटे से रोल में दिखी थी। उनका ये कैमियो रोल दर्शकों को खूब भाया था, लेकिन सोनम ने इस फिल्म के लिए केवल शगुन ही लिया था। इस फिल्म में अपने कैमियो रोल के लिए सोनम कपूर ने सिर्फ 11 रुपए ही लिए थे। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने लटके झटकों से दर्शकों का दिल लूटा है। फिल्म बिल्लू में प्रियंका का आइटम डांस तो आपने देखा ही होगा। देसी गर्ल ने ये आइटम डांस बिल्कुल फ्री में किया था। रानी मुखर्जी। शाहरुख खान की फिल्म कभी खुशी कभी गम मल्टी स्टारर थी। इस फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस फिल्म में रानी मुखर्जी के रोल को शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। रानी मुखर्जी ने शाहरुख के बचपन की दोस्त का रोल किया था, लेकिन इस रोल के लिए रानी ने कोई पैसे वैसे नहीं लिए थे। दीपिका पादुकोण। आपको शायद ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि दीपिका ने अपनी पहली फिल्म ओम शांति ओम बिल्कुल फ्री में की थी। इस फिल्म के लिए दीपिका ने कोई चार्ज नहीं किया था। शाहरुख खान। फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में बॉलीवुड के किंग खान का कैमियो रोल था, जिसमें उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया था। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर के अब तक के करियर में फिल्म हैदर सबसे शानदार रही। फिल्म को खूब पसंद भी किया गया, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि शाहिद ने ये पूरी फिल्म फ्री में की थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना इन दिनों सुर्खियों में है। उनकी एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल इस फोटो में सुहाना स्विमिंग पूल में नजर आ रही हैं। उनकी ये तस्वीर उनके फैन क्लब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। सुहाना इस फोटो में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। तस्वीर में वो इंटेंस लुक में दिख रही हैं। इस फोटो को सुहाना खान के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है। सुहाना के फैंस को उनकी ये तस्वीर इतनी पसंद आ रही है कि इस फोटो को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। अगर आप सुहाना खान को डेट करना चाहते हैं, तो आपको शाहरुख खान की 5 शर्तें माननी पड़ेंगी। वो कौन सी ऐसी 5 शर्तें हैं? ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी होने के कारण वो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछले दिनों भी सुहाना स्विम सूट में नजर आई थी, तब सोशल मीडिया पर उनकी इस फोटो को लेकर उनके फैंस ने खूब कमेंट किया था, जिसके बाद खुद शाहरुख खान भद्दे कमेंट करने वालों को जवाब देते हुए भड़क गए थे। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।